और फाइनली गाइस चेक करो, और कितने बुरे हालात है भाई, इधर चेक करो, और इधर भाई एक नंबर ही बाइक चलती है भाई। आप खुद बता दो कमेंट में कि हमारी कोई गलती तो नहीं है, हम कहाँ आ गए आपके लिए। और ऐसा घुमता रास्ता है इधर, मुझे लगता है आज से पहले कोई बाइक तो गई नहीं होगी, अगर गई होगी तो वापस उठा कर ही लाने पड़ती होगी। और क्या यार, इधर ट्रैक्टर भी नहीं आते हैं यार, इतना बुरा हालात है। और हमने आज गलती कर दी बहुत ज़्यादा, आपको क्या बताऊँ यार मैं, बिना मतलब के ना तो कोई मतलब होता है ना एक मतलब की कोई बात होती है। देखो नीचे बाइक लग रही है यार, फायदा कोई नहीं है। और हमने बाइक को चेक करो, इतना बुरे हालात हैं। और अगर आपने फिर भी लाइक नहीं किया तो ब्लॉग बनाने तो बंद दें, ये कोई फ़ायदा नहीं है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि भाई पैसा बहुत मुश्किल से आता है, अर्निंग बहुत मुश्किल से होती है। और ये देखो भाई, मोदी ने हर बंदे 2-2.5 लीटर तेल इधर आते तक खा लिया बाइक ने भाई। अभी हमें लगता है कोई 40-45 किलोमीटर चले हम टोटली। गाइस बाइक दे रही है एवरेज कितने की, 20 की, और 20 की तो दे रही है, और ऊपर से एक नंबर चल रही है गाइस। तो उधर इतने बुरे हालात, इतने मारे हालात हैं, और हमने कोई भी इतना सोचा नहीं था। ये बाइक देखो, लोग उस बाइक को जाकर सब्सक्राइब करो कि हमारा ही भाई है तो ब्लॉग बनाता है, ये भी मुझे लगता है। मगर ओहो गाइस, ये बुरी हालात थी, मंदे दिहाड़े थे, और उसके बाद गाइस फाइनली फॉर मूवमेंट ओनली फॉर दैट डे ओनली फॉर मंडे। जे ले लद्दाख से भी खतरनाक रोड है भाई, ये ऑफ रोडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। ऊपर से तेल इतना लगता है आपको पता है, और क्या फ़ायदा गाइस, चेक करो बाइक की भी इतनी बुरी हालत हो जाती है यार। इधर देखो ये क्या होगा, आपको खुद ही पता है यार, वो पूरी बजरी बजरी है, बजरी पे कहाँ बाइक चलती है यार, बजरी पे बाइक बुक तो चलती नहीं, ये हमारी गलत फहमी है यार। और ऊपर से गाइस चेक करो, इधर रहते हैं बकरवाल, और बकरवाल गए हैं श्रीनगर, तो गैस आराम से यार फाइन, पता है क्योंकि अभी नया बाइक है, 4 साल तक तो चलने चाहिए कम से कम, 4 साल तक चलेगा तो उसके बाद ठीक है गाइस। थोड़ा बहुत चेक करो, व्यू तो बहुत प्यारा आता है, ये बात नहीं मैं बोलता हूँ, व्यू बहुत प्यारा आता है। और उसके बाद गाइस, गाइस आप मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है क्योंकि इधर जितना ख़राब रोड है तो पीछे वाले बंदे को उतारने पड़ेगा, ताकि आप उतर जाओ ऊपर तक। और फाइनली इतना बुरा हालात है, आप आगे आगे चलो। ओहो हो, ये देखो ये काका भाई है, और आप पैदल जाने पड़ेगा, बहुत ख़राब रास्ता हो रहा है, देखो ओहो ली बता जाने वाला रास्ता तो भाई अंकू भाई कभी नहीं आएगा। और देखो इतना घूमता रास्ता है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतना गंदा रास्ता मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। और इतनी यार स्लिप होती ना बाइक इधर, क्योंकि वो कच्चा रास्ता है ना, कच्चे रास्ते पे फिर भी होता है थोड़ा बहुत, ये है कि पूरी बजरी बजरी एक मिनट में स्लिप करती है बाइक। और उसके बाद हम इधर रुकेंगे, ये चेक करो गाइस, ओहो इतनी बजरी इतनी बजरी इतनी बजरी। और काका रह गया पीछे बहुत दूर, अब इधर स्टैंड लगाएंगे थोड़ा बाइक को, गर्म होगी यार, गर्म होगी बाइक तो। उसके बाद फाइनली चेक करो गाइस, तथे वो नदी है उसमें नहाते थे हम, और वो चेक करो, वो है टीटू भाई का मकान जो हमारे जम्मू ही रहते हैं उधर। आजकल टीटू भाई ने मकान बनाया नया, और बाइक की लुक चेक करो, बहुत ही बुरे हालात थे, बाइक ने इधर आते तक बहुत दम लगाया, और हमारी चप्पली पौधी इधर मिट्टी मिट्टी हो गया। काके भाई आपको कैसे हालात लगे इधर के? बहुत बुरे हालात हैं भाई, हालात बुरे हैं, आप क्या कहने चाहते हो इस बारे में? मोदी सर रिक्वेस्ट करो
मोदी से रिक्वेस्ट नहीं करो, आप बोलो कि लाइक कमेंट करो, भाई को सब्सक्राइब करो, भाई को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, भाई का चैनल बढ़ाओ, आगे चैनल आगे बढ़ेगा। अभी हम आपको दिखाएगा, अभी और ज़्यादा दूर नहीं जाने चाहिए हमको, आप लोग खुद ही समझदार हो। ऊपर के हालात देखकर मुझे खुद ही पता चल गया कि आगे जाने का और काके भाई हमें इधर से मुड़ने में फायदा है, क्योंकि ये ट्रैक्टर का रोड है, बाइक का रोड नहीं है, और ब्राह्मण भाई इधर कहीं फंस जाएंगे तो फायदा नहीं है। तो उसके बाद ब्लॉग आज का करते हैं इधर ही ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई देखेगा तो ठीक है, नहीं देखेगा कोई बात नहीं। और इधर व्यू चेक करो, और कहा कि भाई आप थोड़ा पोजीशन लो, पोजीशन में खड़े हो जाओ, आपका ब्लॉग आ रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्लॉग आपका डाल देंगे हम तो, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो डाल दो डाल दो। ओके 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 गाइस, आज का ब्लॉग करते हैं काके भाई पे ख़त्म। और ये देखो जेबी बकर बालू के मकान है, तो हम इधर करते हैं ब्लॉग ख़त्म। तो इधर हेलमेट लगाइए, हमें बहुत गर्मी लग रही है। और ये देखो यार, बजरी चेक करो, बजरी चेक करो, बजरी